Said shit, 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 said check, shit. Check, check. Did you say check? I said check. All right. Okay. Thanks for the clarification. मेरा सवाल चारों किरदारों से है, शाहिद, आलिया, करीना और दिलजीत की, जो आपका कंफर्ट जोन है उससे काफी अलग है. लाइक आप यो-यो स्टाइल में दिख रहे हैं, उसका लहजा अलग है. आलिया का एक बिहारी लहजा हमने सुना, करीना एक डॉक्टर के अवतार में और दिलजीत भी दिख रहे हैं. आप लोग प्लीज अपने किरदार की जो तैयारी थी उसके बारे में जरा बताएं कि Alia, how did you learn Bihari for this? I have to go first? Yeah, go first. I'm always good. Okay. नहीं तो obviously तैयारी तो थी because I don't know Bihari और मुझे वैसे dialogue इतने सारे नहीं है मेरी फिल्म में. बहुत ही मैं कम बोलती हूँ, but जो भी वो भी जितना भी बोलना था वो बहुत बोलना था in that one flow and had to look natural. So I think what एक डेढ़ महीना we sat and you know did the dialect coaching. Had a very nice dialect sir, Pankaj sir, who I have to thank immensely. Because of him is why I have the dialect. Or of course for look or prep, then I have to give credit to Payal, our costume designer, and Abhishek sir, who put the look together so that I could look Bihari. Yeah, Tommy Singh, when I heard this character, the first thing mujhe samajh mein aaya that it has to be nothing like me. And I didn't want it to be anything like what people have seen. So we were talking about reference because it's a Punjabi pop star. Obviously, he is an addict. He is a substance addict. So he needed to look very different from a regular guy. So he did a lot of work on his body. लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यू नो द इट शुडंट हैव बीन द काइंड ऑफ बॉडी दैट अ बॉडी बिल्डर और समबडी इज वेरी हेल्दी हैज. इट शुड लुक लाइक द बॉडी ऑफ अ पर्सन हुज अब्यूज्ड हिमसेल्फ एंड हुज यू नो. सो एनीवेज उसके ऊपर काफी काम हुआ. मेरे और अभिषेक की काफी मीटिंग्स और बातें हुई बालों को लेकर. ही वॉज वेरी स्केर्ड कि ये पता नहीं क्या कर रहा है बालों के साथ और ये मेरे रियलिस्टिक फिल्म की बैंड बजा देने वाला है. सो वी हैड अ फ्यू मीटिंग्स एंड फाइनली इवन अभिषेक हैज द सेम हेयर स्टाइल नाउ. सो None of us are complaining. But apart from that, I think the most difficult thing was to get into the head of a character like this. कि वो कैसे सोचता होगा, क्यों वो जैसे बिहेव करता है वैसे बिहेव करता होगा, क्यों वो इतना एक्सेंट्रिक और इतना पागल है. क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर्स जो इतने लाउड होते हैं, मैं यूजली लाउड कैरेक्टर्स कम करता हूँ. दिस इज ऑलमोस्ट आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई प्लेड सच एन एक्सेंट्रिक कैरेक्टर. और उसके साथ बहुत थिन लाइन होती है बिकॉज बहुत आसान होता है कि वो बहुत फेक लगे या बहुत लाउड लगे या इरिटेटिंग लगे या आपको मन करे कि यार मैं ये बंद कर देता हूं, ये इतना इरिटेट कर रहा है, मेरी हेडेक हो रहा है. सो उसको बहुत ऑनेस्टली पोर्ट्रे करने के लिए काफी वक्त बिताया मैंने अभिषेक के साथ, समझने के लिए कि कोकीन एडिक्ट जो होते हैं, जो एडिक्ट होते हैं, जो चेज करते हैं कोकीन को, वो इतने हाइपर और एक्सेंट्रिक क्यों होते हैं और क्या चलता है उनके मन में. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी. आई डोंट नो इफ आई हैव अचीव्ड इट, बट द अप्रोच वॉज टू ट्राई एंड फाइंड सम ऑनेस्टी in that space. I think I followed Abhishek's and Honey's vision, who also came to read a few of the scenes that I have. And I think I'm a director's actress, so I follow whatever my director says. Main ta idda nahi pachi jitna de se अभिषेक, ये काफी गहन मुद्दा है पंजाब का और अभी हमने एक सर्वे भी देखा था तो सबसे ज्यादा ड्रग्स वहां ली जाती है घर घर में. तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपने एग्जैक्टली क्या प्लान किया था थ्रू द फिल्म? नहीं, हमारा हमेशा मोटिव यही था कि ये एक मुद्दा है और ये काफी सीरियस मुद्दा है. और जब मैंने ये फिल्म कंसीव की थी तो मैं और मेरे राइटर सुदीप शर्मा, हमें एक बात पता चली कि नेशन वाइड ये डिस्कशन हो नहीं रहा है. और ये पंजाब हमारा नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट्स है और वहां पे यंगस्टर्स इतने ज्यादा ड्रग अब्यूज में हैं और नेशनल लेवल पे इसका डिस्कशन नहीं है. तो ये फिल्म मेरे लिए एक जरिया था इस इशू को नेशनल लेवल पे लाने का. दैट वाज माय प्राइमरी मोटिव टू मेक दिस फिल्म.
और इसको इस तरीके से लाने के लिए, नेशनल लेने के लिए, ये बहुत ही अच्छा हुआ मेरा फैंटम के साथ और बालाजी के साथ ये एसोसिएशन हुआ, बिकॉज दे वर एबल टू यू नो क्रिएट सच अ कास्ट फॉर मी टू गिव सच अ कैनवस टू द फिल्म. जब ये फिल्म आएगी तो ये एक नेशनल लेवल पे डिस्कशन इसका हो सकता है. आई थिंक दैट्स व्हाट माय पर्पस वाज टू मेक दिस फिल्म. Hi Shahid, Alia, Kareena and Diljit. This is Urvi here from Pinkvilla to your right. Hello, hi. Pinkvilla! You're happy about it. My question is to all four of you. When Abhishek offered you the film, at any point did you guys feel skeptical about taking this film? Because in a way it was a risk venturing into this sort of a film. Because this is not even done before. So what was the thought process like when you all were approached for the film? I think in my case, Abhishek was skeptical to take me. I remember sitting in front of him. He's like, okay, 1 second. I just have to sit and imagine you as this character. One minute. Because it happened very randomly. But I think, at least for me, I literally jumped at it right away. Because I said that this is something that it's completely, like, I'm North and this character is South. So it just, for me, it's a big step away and a huge, out of the box situation for me. So I went for it right away. एक्चुअली मुझे हमेशा से ये लगा है दैट गुड स्टोरीज शुड बी टोल्ड, न्यू स्टोरीज शुड बी टोल्ड, एंड इफ यू डोंट ट्राई समथिंग न्यू यू विल नेवर रियली डिस्कवर योरसेल्फ, यू विल नेवर रियली बी ओरिजिनल. सो एंड न्यू थिंग्स ऑलवेज रिस्की एंड स्कैरी. लेकिन मेरे लिए ये फिल्म सबसे ज्यादा चार कैरेक्टर्स की कहानी है, उनकी स्ट्रगल है अपने आप से, और चार बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और चारों बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ऑनेस्ट स्टोरी है और इसके अंदर की जो सोल है स्टोरी की वो कुछ बहुत अच्छा कहना चाह रही है, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, लेकिन जो ये कहना चाह रही है वो बहुत ऑनेस्ट है. और इंटेंशन मुझे फिल्म का अच्छा लगा, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए. मुझे लगा इंटेंशन फिल्म का यूथ को एक मैसेज देने के लिए है, जो मैसेज हम सब ने अपनी टी शर्ट्स पे पहना हुआ है, और इस तरीके से वो मैसेज कहा गया है कि यूथ उसके साथ कनेक्ट कर सके. ड्रग्स दी मादी, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से टू एवरी यंगस्टर, ड्रग्स दी मादी.